हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है अभिषेक कुमार, जिन्होंने पूछा है कि डेट चेंज होने के बाद भी शो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से कंपनी बना लेते हैं और यहीं से काम चालू करते हैं ताकि आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में पता चलती रहे, ठीक है? तो यहाँ पर माई कंपनी वन मैं दे देता हूँ, ये माई कंपनी कॉलोनी देवरिया, और एंटर करके यहाँ पे स्टेट चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी काम करेगा तो स्टेट जरूर चूज कीजिएगा, ठीक है? एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर करके, अब ये सब हो गया, अब यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया ये हमने। और जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं ना तो एक विंडो ऐसे आती है, आप कंट्रोल ए कर दीजिएगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है हमको, अभी डेट चेंज वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है? डेट चेंज करने के बाद भी शो नहीं हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? तो चलिए एक बार आते हैं हम कहाँ, चलिए मान लीजिए परचेज वाउचर में आ गए। अभी यहाँ पे डेट क्या दिख रहा है, 2 जून 2023 दिख रहा है, ठीक है ना? लेकिन अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। मान लीजिए हमें 1 अप्रैल में एंट्री करनी है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल डेट करेंगे ना। तो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो अब ये दिक्कत आती है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, ये हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और हमने 1 अप्रैल की डेट भी डाली है, और यहाँ पर ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि तो जब आप फाइनेंशियल ईयर चेक करने जाएंगे तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F2। तो यहाँ पे देखिए 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 बिल्कुल सही है। तो अभी ये कंफ्यूजन का और भी दायरा बढ़ जाएगा आपके, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सही नजर आ रहा है और यहाँ पर हम अगर डेट चेंज कर रहे हैं तो डेट चेंज हो ही नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 1/5/2023 करते हैं, देखिए ये भी नहीं हो रहा है। अब और कंफ्यूजन बढ़ जाती है हमारी, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 जून 2023 डालिए, तो 2 जून 2023 अगर हम डाल देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 2 जून है, तो 2/6/2023 करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये तुरंत एक्सेप्ट कर गया। तो अभी सीधा कंफ्यूजन मन में ये बनता है कि यहाँ पर 2 जून तो एक्सेप्ट कर जा रहा है, बाकी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऐसा हुआ कि हमने जब कंपनी बनाई उसी समय गलती कर दी। देखिए जरा कंपनी बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हमने कहाँ गलती करी, गलती क्या किया, जानबूझ के गलती की है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने काम शुरू होने की डेट क्या रखी है, 1 जून नहीं रखी, 2 जून रख दिया, ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ पे 1 अप्रैल रखूँ तो हमारा काम हो जाएगा, समझ रहे बात को? तो यहीं पर गलती हो रही है आपसे और कोई गलती नहीं है, आप इसको सुधार कर लीजिए, बस काम हो गया। अब आप जब डेट चेंज करेंगे तो बिल्कुल डेट चेंज होगी, क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखिए पहले यहाँ से बाहर आए, परचेज में चलेंगे और यहीं पे एंट्री करके देखेंगे, तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया। और अब देखिए डेट जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, डेट क्या है, 2 जून दिख रहा है। अब यहाँ पे डेट हम चेंज करते हैं, तो ये डेट चेंज कर रहा हूँ 1/4/2023, तो क्या अभी ये चेंज हो जाएगा? चेंज तो हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये डेट बनी रहती है लेकिन ये डेट प्रिंटिंग में नहीं आएगी, आपकी डेट एक्चुअल में यही है, यहाँ पर डेट चेंज हो चुकी है और यही डेट सही है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी ना दिखाई दे, हालांकि जब आप चलाएंगे, जब अपना वाउचर एंट्री पास करेंगे तो ये डेट जो है आएगा नहीं, डेट आपका 1 अप्रैल 2023 ही आएगा, ठीक है? क्योंकि आपने डेट चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर डेट चेंज हो जाए तो आप यहाँ पर आकर के 1/4/2023 डाल दीजिए, यहाँ पर भी आपको वही डेट शो होने लगेगी। हालांकि कोई मतलब नहीं है, वैसे भी आप दे सकते थे, आप देखिए यहाँ पर ये एंट्री आप आसानी के साथ पास कर पाएंगे, ठीक है? तो डेट चेंज हुआ है फिर भी नहीं शो हो रहा है, उसके पीछे ये एक रीजन हो सकता है कि आपने पहले कभी डेट चेंज किया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक 2/8 कर दिया 2023, ठीक है? अभी यहाँ पे 2/8/2023 कर दिया है और यहाँ पर भी क्या करता हूँ, 2/8/2023 कर देता हूँ, ये हो गया। तो अब मान लीजिए यहाँ पर फिर वापिस से डेट चेंज कर रहे हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा, फिर वापिस से चेंज कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे 1/4/2023 कर रहा हूँ। तो जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पर तो आपको डेट चेंज नजर आएगा लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं है नजर आएगा। तो यहाँ पर जाकर के टाइप करिए, हालांकि आपकी डेट चेंज हो चुकी है, आप एंट्री पास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 2 अगस्त की डेट आएगी, ठीक है ना? ये डेट आपको चेंज मिलेगी। तो लेकिन फिर भी आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी डेट डालना चाहते हैं वो यहाँ पर भी आप एक बार आके डाल दीजिए तो काम हो जाएगा, ठीक है? आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना?